आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। संजय कुमार कुंदन बिहार के एक जाने माने कवि लेखक की श्रेणी में आते हैं और उनकी चौथी पुस्तक भले तुम और भी नाराज हो जाओ के लोकार्पण के समय उन्होंने अपने कलाम पढ़े, वो हम आपको दिखाते हैं। हम सब तो खड़े हैं मक्तल में, क्या हमको खबर इस बात की है? हम सब तो खड़े हैं मक्तल में, क्या हमको खबर इस बात की है? जिस जुल्म को हम सौगात कहें, सौगात वो काली रात की है। हम जिसको मसीहा कह बैठे, वो दर्द का चारा क्या करता? उसने तो कुरेदा जख्मों को, वो जख्म हमारे क्या भरता? हम मेहनत करके मर जाएं और उसको दुआएं देते रहें, वो आखिरी कतरा भी ले ले, हम अपना लहू खैरात करें। पहले भी मसीहा आए थे, जो दर से मोहब्बत दे के गए, हम सब में रहे, हम सब में जिए, हम सब के हुए, हम सब में मरे। वो धूप जो हम पर तेज रही, उसमें तो बदन उनका भी जला, वो दर्स हमारी खातिर थे, उनपे तो अमल उनका भी हुआ। जो सोचते थे वो बोलते थे, जो बोलते थे वो करते थे, औरों की खातिर जीते थे, औरों के लिए वो मरते थे। और आज भी कैसा शोर है ये कि कोई मसीहा आया है। दुख दर्द हमारे ले लेगा, ये कैसा भरम फैलाया है? उसके तो बदन पे रेशम है और अपने बदन मुश्किल से ढके, और उसके तो शिकम में मेवे हैं और अपने शिकम आतिश से जले। उसके तो हवाई दौरे हैं और रेंग के हमको है जीना, वो बात करे तो फूल झड़े, हमको होठों को है सीना। और आज हमारे सीनों में ये नफरत फैल गई कैसे, कल हम जिनसे मिलते थे गले, अब उन पे उठाई है बर्छी। अलगाव की बातें करने में दिल खुद ही मलामत करता था, और अब जहर भरी इन बातों पे ये फख्र सा होता है कैसा। बेखौफ सभी से मिलते थे, इस बात को तो कुछ दिन ही हुए, और कुछ ही दिन में मिलते हैं हम सब कितने आंखों में लिए। और इस बंद पर खास तौर पर गौर करें कि गुमनाम से हैं वो कौन बशर जो भीड़ की सूरत आते हैं, और एक पल में बहा मासूम लहू फिर भीड़ में ही खो जाते हैं। और हद है कि इस वहशत को कहते हैं बहुत से लोग रवा, और कातिल तारीख के गुंबद से अब नफरत को देते हैं सदा, ये कैसा मसीहा है जिसने बतला ही दिया हम एक नहीं, हम सच्चे हैं वो बातिल हैं, हम ही हैं भले वो नेक नहीं। एकदम तो ठहर कर सोचो भी, हम तुम जिंदा किस हाल में हैं? हर एक कदम पे हैं बेबस, हम जी के किस जंजाल में हैं? अपने जैसे मजबूरों से मुख्तार की शह पर लड़ते हैं, हम खाक में लिथड़े रहते हैं, वो तख्त पे बैठे रहते हैं। हैरत है वो समझाते हैं, हम लोग समझ भी जाते हैं, और अपने जैसों की बस्ती को हम फूंक के वापस आते हैं। इस रंग नस्ल और मजहब का हमने तो मजा है खूब चखा, इस रंग नस्ल और मजहब का हमने तो मजा है खूब चखा।
इंसान होकर इंसानों का हमने तो लहू है खूब पिया, और अब अपने मसीहा से पूछें ये कत्लो गारत है कब तक। अब अपने मसीहा से पूछें ये कत्लो गारत है कब तक। कब तक है मोहब्बत पर बहरे, आजाद है ये नफरत कब तक। कब तक वो हमको बांटेगा, कब तक वो हमें बिकवाएगा, दिल उसका भरेगा आखिर कब। कब तक वो सितम ये ढाएगा। और आखिरी बंद है कि हम अब भी अगर खामोश रहे, हम अब भी अगर खामोश रहे, हम देख न पाए सच है क्या। गर यूं ही हम पे छाया रहा उसका वो जादू उसका नशा, हम सब कातिल कहलाएंगे, हम सब कातिल कहलाएंगे, हम सब बातिल कहलाएंगे। जिंदा रहने की जद्दोजहद में हम सब मारे जाएंगे। और अब तू ही बता क्या कोई सहर इस काली अंधेरी रात की है। हम सब तो खड़े हैं मख्तल में, क्या हमको खबर इस बात की है। एक नज़्म सुनाता हूँ, एक गजल ही सुनाता हूँ। जिद में आएगा जरा और जुल्म ढाएगा, जिद में आएगा जरा और जुल्म ढाएगा, हाकिम वक्त है ऐसे शिकस्त खाएगा। जिद में आएगा जरा और जुल्म खाएगा, हाकिम वक्त है कैसे शिकस्त खाएगा। और शेर देखें कि अभी तो रास्ते यूं रास्तों से उलझे हैं, अभी तो रास्ते यूं रास्तों से उलझे हैं, राह रो कैसे बताए वो किधर जाए। और अगला शेर देखें कि इस आसमां को तशफी न जाने कब होगी, इस आसमां को तशफी न जाने कब होगी, हमारा सब्र कहां तक वो आजमाएगा। और अगला शेर है कि जिसे वो कह के कहे और कुछ न कहना है, जिसे वो कह के कहे और कुछ न कहना है, कहां से ढूंढ कर वो ऐसा शेर लाएगा। और आखिरी शेर है कि ये और बात के बेहतर ही लोग आएंगे, हमारे ऐब मगर कैसे तू गिनाएगा। और मकता है कि वो तो चेहरे से थका लगता है कुंदन, लेकिन वो तो चेहरे से थका लगता है कुंदन, लेकिन है जरूरत तो जरा बोझ और उठाएगा। और एक गजल और सुनाता हूं, एक तख्त नशीं आज भी इतराया हुआ है, एक तख्त नशीं आज भी इतराया हुआ है, वो ही खुदा है सबको ये समझाया हुआ है। और उसके मुसाहिबों की यहाँ भीड़ लगी है, उसके मुसाहिबों की यहाँ भीड़ लगी है, और उसके कसीदा खाने गजब ढाया हुआ है। शेर देखें कि सच बोलने से पढ़ते हैं उसकी जबी पे बल, सच बोलने से पढ़ते हैं उसकी जबी पे बल, परचम अभी तो झूठ का लहराया हुआ। और ये शेर देखें खास तौर पर कि फरमान लिए फिरते सकाफत के ठेकेदार, फरमान लिए फिरते सकाफत के ठेकेदार, हम पहनेंगे खाएंगे क्या लिखवाया हुआ। फरमान लिए फिरते सकाफत के ठेकेदार, हम पहनेंगे खाएंगे क्या लिखवाया हुआ है। और हम एक ही जैसे हैं मगर कहिए अलग हैं, हम एक ही जैसे हैं मगर कहिए अलग हैं, उसकी नसीहतों का नशा छाया हुआ है। हम एक ही जैसे हैं मगर कहिए अलग हैं, उसकी नसीहतों का नशा छाया हुआ है। और शेर देखें कि बाशिंदे इसी मुल्क के उसके भी थे अजदाद, बाशिंदे इसी मुल्क के उसके भी थे अजदाद, और कहते हैं कि बाहर कहीं से आया हुआ है। बाशिंदे इसी मुल्क के उसके भी तेरे यार, कहते हैं कि बाहर कहीं से आया हुआ है। मकता देखें कि अब शायरी इसको भले न कहते हो कुंदन, अब शायरी इसको भले न कहते हो कुंदन, महसूस किया बस वही फरमाया हुआ है। एक तख्त नशी आज भी इतराया हुआ है, वो ही खुदा है सबको ये समझाया हुआ। एक आध चीजें और अगर इजाजत हो फिर
देखें कि सामा है मुंतजिर के बड़ी बात हम कहें, सामा है मुंतजिर के बड़ी बात हम कहें, अब हम भी क्या हकीर से रंजो अलम कहें। सामा है मुंतजिर के बड़ी बात हम कहें, अब हम भी क्या हकीर से रंजो अलम कहें। तो जामो सुबू की बात सुराही का खम कहें, और अब मिट गया जहान से जुल्म सितम कहें। जामो सुबू की बात सुराही का खम कहें, और अब मिट गया जहान से जुल्म सितम कहें। और ऐलान किया है शहर के हाकिम ने अब से हम, ऐलान किया है शहर के हाकिम ने अब से हम, जो कुछ वो उजाड़े उसे बागे इरम कहें। अगला शेर देखें कि हर शख्स कर रहा है गरीबों की हिमायत, हर शख्स कर रहा है गरीबों की हिमायत, इस पर यकीन कर लें कि इसको भरम कहें। शेर देखें कि किल्लत है वक्त की यहाँ रफ्तार गजब है, किल्लत है वक्त की यहाँ रफ्तार गजब है, पासा के कौन बैठे किसे अपना गम कहें। और आखिरी शेर है कि दुनिया के मसाइल हैं तो अपनी खुदी में सब्र, दुनिया के मसाइल हैं तो अपनी खुदी में सब्र, है कौन ज्यादा तो भला किसको कम कहें। मकता है कि कुंदन जी आज यूं ही किसी बज़्म में पहुंचे, कुंदन जी आज यूं ही किसी बज़्म में पहुंचे, सच बोल के निकल गए रब का करम कहें। कुंदन जी आज यूं ही किसी बज़्म में पहुंचे, सच बोल के निकल गए रब का करम कहें। सामा है मुंतजिर के बड़ी बात हम कहें, अब हम भी क्या हकीर से रंजो अलम कहें। एक आध नज्म और सुना दे तुम, जिंदगी सख्त है, एक नज्म है वो सुना जाए। जिंदगी सख्त है, जिंदगी सख्त है, जिंदगी सख्त है, जिंदगी सख्त है, बख्शती ही नहीं एक जरा भी खता कोई लम्हा करे, बख्शती ही नहीं एक जरा भी खता कोई लम्हा करे, कोई पोशीदा सा एक जज्बा बदलता हो जब पैरहन, चोरी चुपके उसे देख ले बख्शती ही नहीं कोई मासूम सी भूल हो, जिंदगी सख्त है, जिंदगी सख्त। और अगला बंद देखें कि चांदनी रात में चंद यादों की पकड़े हुए उंगलियां घूमते उस मुसाफिर को माफी नहीं, चांदनी रात में चंद यादों की पकड़े हुए उंगलियां घूमते उस मुसाफिर को माफी नहीं, जिंदगी के कई काम उसके ताकुब में हैं, यही बेहतर है दुकान पे जाके कहीं, घर की खातिर रसोई का सामान मुहैया करें, यही बेहतर है दुकान पे जाके कहीं, घर की खातिर रसोई का सामान मुहैया करे, अपने दफ्तर की फाइल पे खम हो जरा, और अपने आकाओं की इर्तका के लिए झूठ सच की मिलावट का धंधा करे। चांदनी रात में एक बेकल सफर का है क्या फायदा, जिंदगी सख्त है, जिंदगी सख्त। देख लो देख लो अपने अहबाब के ऊंचे ऊंचे मकान, देख लो देख लो देख लो अपने अहबाब के ऊंचे ऊंचे मकान, देख लो कीमती कार का कारवां, देख लो और बैंक में उनके लॉकर को देखो जरा, उनकी फरवा अहलिया हसीद आश्ता, उनकी फरवा अहलिया हसीद आश्ता, हर कदम पर हिफाजत का एक सिलसिला है, सलाम उन रफीकों को जो बिक गए, है सलाम उन रफीकों को जो बिक गए, चांदनी रात से उनको मतलब न था, है सलाम उन हबीबों को दाना थे जो तर्क मासूमियत को जिन्होंने किया, फिर भी लगता है ये चांदनी रात में भूली बिसरी हुई याद की उंगलियां, फिर भी लगता है ये चांदनी रात में भूली बिसरी हुई याद की उंगलियां, रूह के जर्ब में खतरा खतरा है ताकत कोई डालती, चांदनी रात की बेसबब राह पर घूमता रह रहो जिससे ये कह सके हम लताफत के लश्कर के जाबाज हैं, सख्ती गर है परिंदा तो शहबाज हैं, तुम ये कहते रहो जिंदगी सख्त है, जिंदगी सख्त। एक गजल जो डॉक्टर साहब, एक नज़्म एक गजल सुनाता हूं कि सरमाया के ताज में तो अलमास जड़े हैं मजदूरी, सरमाया के ताज में तो
अलमास जड़े है मजदूरी और फिर अपनी मजबूरी से दिन रात लड़े है मजदूरी। फिर देखें कि चलते चलते इन राहों पे हमको ये एहसास हुआ, चलते चलते इन राहों पे हमको ये एहसास हुआ कि मंजिल गिरवी और कहीं है पांव करे है मजदूर। मंजिल गिरवी और कहीं है पांव करे है मजदूरी। और शेर देखिए कि हम लोगों का हाल सुनाकर रहबर तो आबाद हुआ, हम लोगों का हाल सुनाकर रहबर तो आबाद हुआ और उसकी बरकत का चर्चा है कहां बड़े है मजदूर। हम लोगों का हाल सुनाकर रहबर तो आबाद हुआ और उसकी बरकत का चर्चा है कहां बड़े है मजदूरी। और दो लोगों के बीच का रिश्ता सीधे तय नहीं होता है, दो लोगों के बीच का रिश्ता सीधे तय नहीं होता है, रुसवाई की सूरत में एहसास भरे है मजदूरी। और अगला शेर है कि रहना है हर हाल में जिंदा ये जावेद कबीला है, रहना है हर हाल में जिंदा ये जावेद कबीला है, मरते हो मजदूर भले ही कहां मरे है मजदूर। और आखिरी शेर है कि गुमनामी में खामोशी से देती है लम्हा लम्हा, गुमनामी में खामोशी से देती है लम्हा लम्हा, कहां कभी कुछ पाने खातिर पांव पड़े है मजदूर। और मकता है कि पूरा करने की कोशिश में थोड़ी सी महरूमी को, पूरा करने की कोशिश में थोड़ी सी महरूमी को कुंदन को क्या चारा है, दिन रात करे है मजदूरी। सरमाया के ताज में तो अलमास जड़े है मजदूरी, फिर अपनी मजबूरी से दिन रात लड़े है। एक नज्म और सुनाकर खत्म करता हूँ, नज्म सुनाता हूँ। ये नज्म जो है ये अलामत एक छोटी सी बच्ची की है, बच्ची मेरी बेटी है और अलामत है वो, लेकिन शायद हम और बात कर रहे हैं। अब्र का एक मुख्तसर टुकड़ा, आज मैं धूप में चला हूँ बहुत, आज मैं धूप में चला हूँ बहुत, राह में कोई गुलमोहर न था, राह में कोई गुलमोहर भी न था, धूप में एक गजब की हिद्दत थी। आज मैं धूप में चला हूँ बहुत, राह में कोई गुलमोहर भी न था, धूप में एक गजब की हिद्दत थी। और बहुत दूर आसमानों पर अब्र का एक मुख्तसर टुकड़ा, और बहुत दूर आसमानों पर अब्र का एक मुख्तसर टुकड़ा उस तसल्ली सी दे रहा था यूं, जैसे कि मेरी छोटी सी बेटी मुझसे कहती है राक्षस जो कभी मुझ पे हमला करे तो अपनी छड़ी से वो ऐसा करेगी जादू कुछ, क्योंकि वो तो परी है नन्ही एक, जिससे तोते की जान निकल जाए जिसमें बसती है राक्षस की जान। और ऐसा वो कह के मुझसे तुरंत प्यार से यूं लिपट जो जाती है, जैसे कि मेरी मुख्तसर दुनिया सारे रंजो अलम से खाली है। और आज लौटा हूं जब थका हारा, जहन में मेरे छोटा सा टुकड़ा, हाँ वो छोटा सा टुकड़ा बादल का, साफ वो आ रहा है कितना नजर, और जिस पर है नक्श नदी परी।
ये है संजय कुमार कुंदन द्वारा रचित पुस्तक भले तुम और भी नाराज हो जाओ, जिसके लोकार्पण के वक्त उन्होंने अपने कलाम पढ़े। काफ़ी अच्छे कलाम थे, काफ़ी अच्छी नज़्म थी। आई होप ये पुस्तक आप लोग को भी पढ़नी चाहिए, आप लोग को भी पसंद आएगी, तो ज़रूर पढ़ें इस पुस्तक को, भले तुम और भी नाराज़ हो जाओ।